नेताओं से कहना चाहता हूं, आप हमें सहयोग दें और सभी हनासांग जी बात करी कि मुरबा खाड़े जो है पानी का भी रुका हुआ है, खतरो है, मैंने तलवार लटके है और खतरो है। और माने बार मन में यही विचार है जो हनासांग सिंह जी बात करी, ढाई सालों झगड़ो चालियो, 56,000 बीघा, 14 गांव, 42,000 मारू, 70,000-80,000 पशु, और खतरो 56,000 बीघा खाली करनी है, खेत ओरण गोचर गांव खाली करता पूछना है आपका है सेना करना है। और देवी लाज राखी आज डाणी जड़ी ही पहले वड़ी है, किसान उन्हें डाणी में रहे, पशु होती है, घर होती है, एक बीघा जमीन नहीं जमती। बात आगे आई जाइए, मुर्गे वाले जो खतरे है, खाने जो कोई खतरे हुए, सांसद जी बढ़ाव दिए, सांसद जी चेतावनी दिए, किसान एक रहे, आप एक बोल को खारिज नहीं होता, एकता में कमी मत रखिए। 56,000 बीघा जाओ थी, उनमें किसान हर वर्ग रहा, हर समाज रहा, हर धर्म रहा, और एक किसान नहीं खिसके हो, जो शुरू में आश्वासन दिए, आज का गोरे संगठन है। तो आपा मैं संगठन रखा तो सरकार कोई हो आपने कोई नुकसान नहीं पुगा सके, एक को आपा में रहे तो एक मुर्गा खारिज नहीं होगा, हूँ आपने आज आश्वासन दे सका। संघर्ष समिति बने, एकता की समिति बने, किसान आदि आश्वासन वो आपने पूरे दो, नेतृत्व में कमी नहीं आएगा, भाग लेने कमी नहीं आएगा, चाहे आंदोलन करना है चाहे नौता करना है, आपने वास्ते कोई कमी नहीं आएगा, आपने जमीन नहीं जान लगा, ये आज आश्वासन दे रहा हूं। असलाम जी बात करी ही कि 4 महीना में व्यवस्था कड़ी बिगड़ी है, और विशेषकर जो गरीब ने जो प्रभावित करे है रोजगार गारंटी योजना, वो अपने एरिया पहले लाया, कुल राजस्थान में सबसे पहले अपने जैसलमेर में बाड़मेर में आई है योजना, और यही है कि अपने गरीब में फायदा मिले। और 4 महीना तक, 4 महीना पहले पेमेंट वगैरह सब समय पर था, और भुगतान भी पूरे, मजदूरी पूरी हर रुपये की बनती, और पता जगह जगह में शिकायत आई है कि योजना में है गड़बड़ी है, नए अधिकारी यू करें वो करें, वो आपने आवेदन दे रहा हूं, पार्टी विशेष है नहीं, रोजगार गारे का टांका सेंगर बनाना है, और SC ST और BPL में रोजगार गारंटी हो, 1 लाख रुपये पक्की ओडी बनानी है, पक्का आवाज बनाना, गरीब परिवार में पार्टी तरफ एक घोषणा दूजी है कि सरकार बने, सरकार बनता ही पहला काम है गरीब परिवार में 2 रुपया किलो गेहूं और महीने में 35 किलो यह व्यवस्था करानी है। आलम सिंह जी यहां फरमाए कि होगन है सरकार बनेला, देर होगन है, उन्हें 2 और कारण है, एक तो देश में पूरा वातावरण नहीं रही है ये NDP सरकार बन है, दूसरा वातावरण है दक्षिण हो पूर्व हो पश्चिम हो सेंगे जगह, और दूसरे बजे अपना उगन राजस्थान उगन है रही है अशोक जी राज में आ रहे हैं, कांग्रेस से सरकार जा रहे दिल्ली में, एक अशोक जी का भी उगन है रही है, तो सरकार बने उन्हें अपनी भागीदारी है कि हम 8 तारीख में वोट पड़े हैं, और योजना में सुधार लावना संशोधन लावना 8 तारीख वाली परीक्षा पास करा पचे ला सका, और जनता टाड़ है परीक्षा पास नहीं हुए, तो 8 तारीख वाली बुलावन है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।
प्रायोरिटी बनाने का वायदा है और इस और रोजगार गारंटी का जो पैसा लग रहा है या दूसरे कामों में सही काम नहीं हो रहा है उसमें एक टाका बनाना ये ओरडिया बनाना इस काम के लिए लगाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और इन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो वायदे किए उनको पूरा किया है ये आप भाई बंधुओं को विश्वास है। विशेषकर इस परिवार ने मुख से कभी झूठ नहीं बोला, जो कहा है वो करके दिखाया है, इसलिए उसी पे विश्वास रखें और भारतीय जनता